आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में आज दो सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी केस की समाअत होगी। सुबह 10 बजे पीटीआई इंट्रा पार्टी केस सुना जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत भी आज सुबह होगी। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई वकील के मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद की थी। आपको बताएं कि आज दो सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस सुना जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को इस हवाले से नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत भी आज ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई वकील के मजीद वक्त देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। तो आज दो सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन में दोनों सियासी जमातों के केस की समाअत आज ही होगी। सुबह 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी केस को सुना जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को इस हवाले से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत भी आज ही होगी।